शिष्य की धरती को नमन करती हूँ, जहाँ पे आज हम सभी वीर शिरोमणि कुल गौरव हमारे देश की शान महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य सभी उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री कामेंद्र सिंह जी। इस मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विनय शंकर सिंह जी उर्फ अल्लू सिंह जी, इस मत आसीन जनता दल के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सब हमारे जीवन साथी आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी, इस मंच पर विराजमान बड़ौदा के माननीय प्रखंड प्रमुख आदरणीय श्री विनय सिंह जी और इस मूर्ति को जीवंत रूप देने वाले यहाँ पे प्रस्थापित करने वाले आदरणीय श्री आनंद सिंह जी, आदरणीय श्री गौतम यादव जी, आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी, आदरणीय श्री अजय पाशान जी, आदरणीय श्री बबलू सिंह जी, आदरणीय श्री डब्लू सिंह जी, परम आदरणीय श्री क्रांति बाबा, आदरणीय श्री अशोक पांडे जी, आदरणीय श्री जनार्दन सिंह जी, आदरणीय श्री मनिंदर सिंह जी, आदरणीय श्री त्रिभुवन सिंह जी, आदरणीय श्री लोहीनाथ सिंह, आदरणीय श्री श्री पांडे जी, आदरणीय श्री राघव सिंह जी, आदरणीय श्री सुरेश सिंह जी, परम आदरणीय श्री शंकर पांडे जी, आदरणीय बड़े भाई श्री सत्यनारायण सिंह जी, कुमार गौरव पंडित जी, आदरणीय श्री रामजी सिंह जी, दिलीप सिंह जी एवं मनोज सिंह जी एवं उपस्थित सभी हमारे अभिभावक जनता जनार्दन युवा साथियों माताएं बहनों मेरी ध्वनि को सुनकर मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन चंदन करती हूँ। आज ही के दिन राणा कांगड़ा के सुपुत्र राणा उदय सिंह के सुपुत्र माता जयवंत कुंवर से 1940 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, जिसने अपने कुल का गौरव नहीं बढ़ाया बल्कि इस देश के मान और सम्मान के लिए इस देश में बसने वाले सभी सौभाग्यवानों के एक उन्होंने समाज में परिचय दिया कि भले हम खास रोटी खाएंगे लेकिन अपनी आजादी को किसी दूसरे पर रोकने नहीं देंगे, जो हमें रोकना चाहेगा उसे हम चकनाचूर कर देंगे। और साथ में नमन करती हूँ उस भूषण युद्ध में अभी अहम भूमिका निभाने वाले परम आदरणीय भामा शाह जी को, और साथ ही साथ नमन करती हूँ उस
चेतक को केवल चेतक नहीं होता, तो महाराणा की कहानी जो हल्दी घाटी में दिखाई देती है वो दिखाई नहीं देती। महाराणा हमारे स्वाभिमान नहीं है, बल्कि महाराणा वह नाम है जो सिखाता है कि हमारे कर्तव्य क्या है, कैसे हम अपने देश के दुश्मनों से भूखे रहकर भी लड़ सकते हैं। महाराणा वह नाम है और महाराणा के वंशज से कहना चाहता हूं कि हम नहीं लड़ते हैं, सदा दूसरों के लिए लड़ना हमारे जीवन का संकल्प होता है। हम दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं। कुछ लोगों ने हमें दबाया और ऐसा प्रस्तुत किया समाज के सामने कि हम लोगों को शोषण करने वाले हैं, लोगों को दबाने वाले हैं, लोगों पर राज करने वाले हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि हमारे देश में जब भी विपत्तियां आई हैं तो हमारे कुल के वंशज, चाहे महाराणा प्रताप हो, राजा रतन सिंह हो, पृथ्वीराज चौहान हो, दोनों गर्दन कसते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी थी। इन लोगों के बारे में कभी इतिहास के पन्नों में नहीं बताया जाता है और हमें अपना अहम पाया जाता है। हमारा अस्तित्व तो युगों युगों तक है, जहां देखेंगे हमें पाएंगे, भले कोई मान सम्मान दे या न दे, लेकिन हम अपने आराध्यों को, हम अपने महापुरुषों को, क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति में विशेष नहीं होते, जो राष्ट्र पुरुष होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, किसी जाति विशेष के लेते हुए होते, वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं। अपनी धरोहर को हमको कैसे करना है यह हमें आना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे थे, अगर लड़ना है तो लड़ना है तो भारत माता के लिए लड़िए, भारत माता के मान सम्मान के लड़िए, तो वैसे ही वीर महाराणा प्रताप के जैसे आप भी पूरे जाएंगे। मैं इसे यही कहना चाहूंगी कि जिसको जितनी समझ होती है उतने ही कार्य करते हैं और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी एक वंश के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है, वो भारतीय धरोहर और सभी हिंदुस्तान का गौरव है। एक एक हम सभी मिलकर आज हो सकता है कि भारी संख्या में आगे अनेक जाति उपस्थित होंगे, हम महाराणा जी के चरणों में नमन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस मन के माध्यम से उस दिन न जाति रहेगी न धर्म रहेगा, क्योंकि महाराणा ने अपनी जाति के लिए नहीं लड़ा, वो भारत माता के आन के लिए लड़े हैं, उनकी शान परिवार बांटने के लिए लड़े हैं और वैसे सभी भारतीय सभी हिंदुस्तानी उनकी जन्म जयंती पर उपस्थित होंगे और उनकी जन्म जयंती पर ही नहीं उनके जैसे आचरण करने वाले प्रत्येक दिन उनकी पूजा करते हैं, उनसे यह सीखते हैं कि कैसे दुख की घड़ी में अपने पुत्र और पत्नी के साथ उन्होंने घास की रोटी खानी पसंद की। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बाकी अपने भारतीय स्वाभिमान इसलिए मैं कहना चाहूंगा